ग्रीटिंग्स, आई होप यू ऑल आर गुड। जिस घड़ी का जो मेडिकल एस्पिरेंट है उसको इंतजार था, वो घड़ी आ गई है। कल 15 जुलाई से 10 बजे से पिन परचेस और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू हो रहा है, राइट? जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.medadmgujarat.org, उस पर ये सभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हाँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू परचेस पिन और हाउ टू डू रजिस्ट्रेशन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, राइट? सबसे पहले आपको क्या करना है, कल 10 बजे के बाद, राइट, यह वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना है, यानी कि ओपन करना है, राइट? उसके ऊपर आएगा एडमिशन फॉर द मेडिकल, यानी कि MBBS, BDS, होम्योपैथी और डेंटल। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, राइट, तो पिन परचेस का ऑप्शन आएगा, उसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन, एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। उसके अंदर क्या करना है, आपका जो नीट का 2020 का जो सीट नंबर है वो डालना है, राइट? उसके नीचे ही आपको क्या है, जो एग्जैक्ट आपका नाम है जो नीट के स्कोर में, वही नाम लिखना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल और फोन नंबर डालना है, और यह फोन नंबर आपको परमानेंट होना चाहिए, उसको डू नॉट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वरना क्या है, आपको मैसेज नहीं आएगा। ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको जो उसकी फीस है पिन परचेस की, वो 1000 रुपीज़ है, वो नॉन रिफंडेबल है, और उसके साथ आपको क्या है, 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट रखना होता है। ये डिपॉजिट रिफंडेबल है, यानी कि आपको वापस मिल जाएगी। जैसे ही आप 11,000 रुपीज़ कॉलम पर डालेंगे और उसको पे करेंगे, तुरंत इमिडिएटली आपको जो नंबर है उसके ऊपर मैसेज आ जाएगा। यह मैसेज के अंदर पिन और यूजर आईडी होगा, ओके? अभी आपके पास पिन और यूजर आईडी आ गया, अभी आपको क्या करना होता है, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके लिए नीचे कॉलम है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओके, तो उसके नीचे आएगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप नए हैं। जैसे ही वो क्लिक करेंगे तो उसमें आपको अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन डालना होता है, कि पिन डालना होता है, यूजर आईडी डालना होता है, कैप्चा होता है, राइट, और उसमें आपको अपना पासवर्ड बनाना होता है। जैसे ही आप पासवर्ड बनाएंगे, कंफर्म करेंगे, तो आएगा आपका पासवर्ड सक्सेसफुली हो गया है, आप लॉगिन कीजिए। वापस आपको लॉगिन करना है कैंडिडेट लॉगिन में, ओके, और उसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, आपका नाम क्या है, कास्ट कौन सी है, राइट, कैटेगरी कौन सी है, मार्क्स कितने हैं बायोलॉजी फिजिक्स में, वो सब डालना होता है। और दूसरे पार्ट में क्या होता है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो जिसको जो डॉक्यूमेंट्स एलिजिबल है वो उसको अपलोड ओरिजिनल करना है, राइट? वो वेबसाइट पे दिया है, उसकी जो साइज है वो JPG में आपको डालना होता है, और 100 KB के नीचे, राइट, फोटो भी ऐसे ही बनाना है आपको, और अपना सिग्नेचर। ये सभी रेडी हो जाए तो आपको क्या, उसको अपलोड करना होता है, राइट? और आप सेटिस्फाई हो जाते हैं कि मेरा जो भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको उसको क्या, कंफर्म करना पड़ता है, राइट? जैसे ही कंफर्म करेंगे तो आपके ऊपर मैसेज आएगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन, राइट? इसकी आपको प्रिंट निकाल लेने का है, ये याद रखना है। उसके साथ उसके ऊपर एक ऑप्शन होता है कि टेक ए अपॉइंटमेंट। आप सेटिस्फाई हो गए, रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो आपको अभी क्या करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना होता है। उसमें डेट टाइम आपको डिसाइड करना होता है, और कौन सा हेल्थ सेंटर आपको सूटेबल है, ओके, उस हेल्थ सेंटर के आपको अपॉइंटमेंट लेना है, ओके? तो उसी टाइम उसी डेट को आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो आपने अपलोड किया है उसकी सभी की एक एक अटेस्टेड कॉपी साथ में ले जाना है, राइट? वो सभी लेके आपको हेल्थ सेंटर पर जाना है। वो लोग क्या करेंगे, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, राइट, और वहां से आपको एक रजिस्ट्रेशन ऑर्डर देंगे। इससे साबित हो जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है, राइट? वो जो लेटर है उसके ऊपर आपको क्या ध्यान रखना है, जो हेल्प सेंटर का नोडल ऑफिसर है वो सिग्नेचर करेगा, और उसका स्टैम्प भी लगाना है, राइट? आई होप इतने तक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही ये प्रोसीजर खत्म हो जाएगा सभी का, यानी कि अप्रोक्सीमेट 24th या 25th को खत्म होगा, विद इन ए वीक, ओके, आपका मेरिट बनेगा, और भी आप जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट दिया है
उसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं। जैसे आपका मेरिट आ गया राइट, उसके बाद आपको क्या होता है, मॉक राउंड आता है, उसके लिए आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ता है। ये मॉक राउंड क्या है, इट इज ए ट्रायल बेस्ड राउंड है राइट, आपके प्रैक्टिस के लिए है। इस राउंड में गलती होगी तो अलाउड है राइट, यानी कि मॉक राउंड में जो आपको एडमिशन मिलता है वो आपको याद रखना है कि वो आपका फाइनल एडमिशन नहीं है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपका फाइनल एडमिशन नहीं है राइट। मॉक राउंड के बाद आपको एक फर्स्ट राउंड आएगा राइट, उसमें आपको केयरफुली अपना चॉइस है वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड होता है उसका जो रिजल्ट होता है वो आपका कंफर्मेशन होता है कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिला राइट। यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। अभी आपको याद क्या रखना है, जैसे आप चॉइस फिलिंग करते हैं राइट, आप मानो के चार कोर्सेज है, MBBS, BDS, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी। सबसे पहले प्रायोरिटी लोग MBBS को देते हैं राइट, तो सबसे पहले आपको जितने भी गवर्नमेंट MBBS कॉलेज है राइट, वो आपको चॉइस फिलिंग में टिक करना होता है राइट। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, GMS की कॉलेज आती है यानी कि सेमी गवर्नमेंट है, उसमें फी कम होती है। और लास्ट में आपको क्या करना होता है, जो प्राइवेट कॉलेज है वो सिलेक्ट करना पड़ता है राइट। सभी कॉलेज के लिए आपको ऐसा करना पड़ता है, मेडिकल हो, डेंटल हो, आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथी हो राइट। ये प्रोसेस बिल्कुल इजी एंड सिंपल है। जैसे स्टार्ट होगा तब आप अपना लॉगिंग करेंगे तो उसके ऊपर सभी ऑप्शन आता है ओके। चॉइस फिलिंग कीजिए तो आपको वो क्लिक करना पड़ता है, उसमें ऑप्शन होता है, गवर्नमेंट का अलग होता है, प्राइवेट का अलग होता है, ये वो आपको बाद में पता चल जाएगा राइट। जब ये फर्स्ट राउंड खत्म हो जाएगा, बाद में जो सीट वैकेंट रहती है राइट, उसके बाद क्या होता है, सेकंड राउंड आता है, वो याद रखना है राइट। सेकंड राउंड में भी आप भर सकते हैं, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है अगर आप अपनी पहली चॉइस से सेटिस्फाई नहीं है राइट। मानो कि सेकंड राउंड भी खत्म हो गया तो उसके बाद क्या होता है, जो थर्ड राउंड आएगा उसको हम बोलेंगे मॉप अप राउंड, यानी कि जो वैकेंसी बाकी है और जिन लोगों ने पहले और दूसरे राउंड में एडमिशन ले लिया है ओके, उस वो इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। जिसको कहीं एडमिशन नहीं मिला है वो लोग क्या है, मॉप अप राउंड में भाग ले सकते हैं क्लियर। ये मॉप अप राउंड के बाद खत्म होने के बाद जो सीट बचती है ओके, उसको हम बोलते हैं फाइनल राउंड यानी कि स्ट्रे राउंड क्लियर। इसमें जिनको कहीं एडमिशन नहीं मिलता है वो लोग को लिए राउंड होता है स्ट्रे राउंड। ये राउंड ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है राइट। अगर ऑनलाइन होगा तो आपको जो वेबसाइट पर दे हेल्प सेंटर होते हैं उसमें जाना होता है, अगर ऑफलाइन होता तो आपको जहाँ बोला थे वहाँ जाना होता है। ये राउंड कैसा होता है, जिसको कहीं एडमिशन नहीं मिला है उन लोगों के लिए ये राउंड है क्लियर। तो इसमें आपको टाइम पे वहाँ पहुँच जाना होता है राइट। अगर टाइम पे नहीं पहुँचे तो क्या होता है, जो अवेलेबल होते हैं उसको ये सीट मिल जाती है। ये सर सभी राउंड की मैंने बात किया, फर्स्ट राउंड हो, सेकंड राउंड हो, मॉप अप राउंड हो और स्ट्रे राउंड हो, उसमें कंपलसरी क्या है कि आपको उसमें अपना कंसेंट देना पड़ता है। उनके पहले राउंड में आपने कंसेंट दे दिया, दूसरे में कंसेंट दे दिया, और सभी के लिए कंसेंट चाहिए। कंसेंट कैसे मिलता है, जैसे आप लॉगिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे तो उसके ऊपर एक लिखा होता है गिव ऑनलाइन कंसेंट, आपको क्लिक करना होता है, तो अपना कंसेंट आपने दे दिया। अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड क्लियर। यहाँ तक आपको बात पता चल गई राइट, एडमिशन मिल गया। दूसरी बात क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ जो NRI है, NRI में जिसको एडमिशन लिया है उसका जो सारा प्रोसीजर है वो डायरेक्ट गांधीनगर एडमिशन कमेटी में होता है, वो आपको याद रखना है। हेल्थ सेंटर पे कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट सभी प्रोसीजर कहाँ होता है, गांधीनगर ये जो कमेटी है वहाँ होता है राइट। दूसरी बात क्या याद रखना है कि यहाँ गलती क्या करता है कि दो फॉर्म ऑलरेडी वेबसाइट पे अवेलेबल है। पहला फॉर्म है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, गलती कहाँ होती है, आप अपनी तरफ से लाते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट अलाउड नहीं है। आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जो ऊपर तो दिया है फॉर्मेट, वो फॉर्मेट को आपको डाउनलोड करना है, इसका प्रिंट आउट निकालना है। और कोई भी डॉक्टर, मिनिमम क्वालिफिकेशन है MBBS,
या उसके ऊपर वाले MD MS, उसका आपको सिग्नेचर लेना है, स्टैम्प लेना है। वो आपको क्या करेगा, वेरीफाइड करेगा कि ये पर्सन क्या है, फिजिकली फिट है। वो सर्टिफिकेट आपको लेना है और ओरिजिनल हेल्थ सेंटर पे जमा करना है, राइट। दूसरी बात क्या है, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो बीमार है या किसी भी कारण की वजह वो अपना वेरिफिकेशन नहीं करा सकता, ओके, तो उसके लिए क्या होता है, वेबसाइट के ऊपर ऑथोरिटी लेटर दिया है, राइट। वो ऑथोरिटी लेटर आपको डाउनलोड करना है, आपका फोटो लगाना है और जो डॉक्यूमेंट लेके आने वाले उसका फोटो लगाना है, और दोनों का आइडेंटिटी प्रूफ, उसमें क्या होता है, आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, वो ओरिजिनल लाना है, राइट। तो क्या करेंगे, हेल्थ सेंटर वाले आपका डॉक्यूमेंट लेंगे, राइट। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक का जो आपका इंफॉर्मेशन होगा वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दूसरी जो मेन बात मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको याद रखना है, दो म्यूनिसिपालिटी की हॉस्पिटल है, एक सूरत में है, दूसरी अहमदाबाद में है, राइट। ये दो क्या होता है, इसके लिए जो सूरत म्यूनिसिपालिटी यानी कि मिमर है, उसके लिए जो लोग 10 साल से सूरत में रह रहे हैं उसके लिए अलग कोटा होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, लोकल कोटा। सेम इज जो अहमदाबाद वाली है NHF, उसमें क्या होता है, लोकल कोटा होता है। जो लोग अहमदाबाद में 10 साल से रह रहे उसके लिए उसमें क्या है, प्रोविजन है, यानी कि जो वेबसाइट पे दिया है 50% सीट इन लोगों के लिए होती है, लेकिन क्राइटेरिया क्या है, वो 10 साल में सूरत या अहमदाबाद में रहते होते हैं, ओके। तो वो लोग क्या होता है, एलिजिबल होते हैं और लोकल कोटा में एडमिशन लेने के लिए। इसका जो फॉर्म होता है वो आप कहाँ से ले सकते हैं, जो सूरत वाला कैंडिडेट है वो जो सूरत मेडिकल कॉलेज मेंबर उसकी डीन की ऑफिस होती है, वहां से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। सेम एज अहमदाबाद में जो म्यूनसिपैलिटी है कॉलेज है उसका जी डीन की ऑफिस है, वहाँ अहमदाबाद वाले को मिल जाएगा लोकल कोटा का फॉर्म। वो फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन होती है, जो आपके बच्चे का 10 साल में कौन से स्कूल में पढ़ा है, उसका LC चाहिए, आप कितने साल से वहाँ रह रहे हैं, उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको भरना होता है और डीन ऑफिस में सबमिट करना पड़ता है। ये सबमिट करने के बाद ये लोग वेरीफाई करते हैं और उसको सूटेबल लगते हैं तो आपको वो क्या करते हैं, लोकल कोटा का सर्टिफिकेट देते हैं, राइट। वो आपको ज्वाइंट करना पड़ता है, तो सूरत लोकल कोटा और जो अहमदाबाद लोकल कोटा है, स्पेशली जब कौन से म्यूनसिपालिटी कॉलेज में आप उसके रिजर्वेशन के लिए हकदार है, राइट। तो ये जो नया बात था मुझे आपको बताया, आई होप पूरा एडमिशन प्रोसेस बारे में आपको पता चल गया। अगर कुछ भी दूसरी जानकारी चाहिए या अपडेट चाहिए तो आपको क्या है, उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आपको रेगुलर अपडेट देखना है। ये जो मैंने वीडियो बनाया है वो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है कि किसी को तकलीफ ना पड़े, राइट। तो रेगुलरली आपको जो वेबसाइट के ऊपर अपडेट है उसको फॉलो करना है, राइट। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल टू यू।